हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। दोस्तों कैसे हो? भगवान से आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल 5507 सोनिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कल थी मकर संक्रांति और जैसा कि पात्र मैंने बताया था तो आज भी मकर संक्रांति मना रहे, जैसे पिछले साल दो मनी थी है, ऐसे अब मनी है। तो दोस्तों कल आपने देखा होगा कितनी मतलब ज़्यादा मस्ती हुई थी, पार्टी हुई थी और इंजॉयमेंट कितना हुआ था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आप सब ने भी शायद फुल फ़ायदा उठाया होगा और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे। और मम्मी को एक्चुअली उनकी पोत बहू ने मनाया था तो मम्मी थोड़ी भावुक हो गई थी और रोने लगी थी, तो क्योंकि एक्चुअली हमारी जो मम्मी है तो मैं उनके लिए एक मिनट देना चाहती हूँ, एक मिनट उनके ऊपर बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मम्मी के जो मायके हैं तो मम्मी के एक भाई था, तो वो मम्मी की जैसे आई थिंक जब वो 24-25 साल के थे मेरे मामा जी, तो वो एक्सपायर हो गए थे, उनकी वो रीढ़ की हड्डी का नचका या चनका जो भी वो निकलवाने गए थे, तो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी जो निकाल रहा था, और उनकी 3-4 दिन या एक हफ्ते में उनकी डेथ हो गई थी। तो वो अपने 3 बच्चे छोड़ के गए थे, तो उनका मम्मी पापा ने पालन पोषण किया, शादी वगैरह की, बट जो भाई की या माँ बाप की बात होती है वो अलग बात होती है। मम्मी के जो भतीजे हैं वो इनकी इतनी वो नहीं है, तो हमारी मम्मी ने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दुख देखे हैं। तो जब कोई खुशी का माहौल होता है, और पापा को भी 2012 में हार्ट अटैक से डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं मम्मी इसलिए भावुक हो जाती है क्योंकि उनके परिवार में मतलब मायके में भी कुछ नहीं है और बहन भी उनकी छोटी हैं, तो मतलब उनकी उनसे छोटी हैं, तो कोई भी लेना देना होता तो खुद ही बड़ी के नाते उन्हें ही करना पड़ता है। तो हम अब आजकल की जनरेशन क्या है, आजकल ना कोई बड़ा होता ना छोटा, जिसे देना होता वो देता, जिसे लेना होता वो ले लेता मुँह मांग के। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी स्टोरी मेरी मम्मी के ऊपर, जो मेरी मम्मी कल भावुक हुई थी, बहुत ज़्यादा रो गई थी और हमें भी रोना आ गया था, बट हमने डांस बहुत किया। और दोस्तों कमेंटों का सिलसिला अब जारी होगा और अब चालू होगा कमेंटों का, क्या बोलते हैं लोग वाह क्या नहीं बोलते हैं। तो देखो, एक मैं मोटी हूँ, मेरे मोटे के ऊपर बहुत ही मतलब मैं मोटी नहीं हूँ बट मैं हेल्थी हूँ। मोटे एक कोई गाली नहीं है, मतलब सॉरी गाली है, अभिशाप है, क्योंकि लोग बाग इसे अभिशाप समझते हैं और इसे बहुत से लोग मतलब इसका यू टर्न ले लेते हैं, उसका गलत मतलब निकाल देते हैं, बट मैं हाँ अभिशाप हो सकता है जब आप उठ नहीं सकते हो, जब आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते हो, तो एक मोटापा तब एक गाली लगता है। तो इसके ऊपर मेरे पास बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो मुझे अपने बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहे हेल्थी हूँ या कुछ भी हूँ, मैंने अपने डांस से अपनी मेहनत से छुट्टी कर रखी है, ऐसी बात नहीं है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। तो बहुत से कमेंट भी आए हैं, देखो मैंने परसों के ब्लॉग में भी बताया था कि कितना डांस करती हो, तो मुझे खुद भी नहीं पता मैं कितना डांस करती हूँ। और कल भी मेरे घर में सब, मेरी भाभी चाची ताई सब हैरान हो गई कि यार तू कितना नाचती है, यार मुझे खुद नहीं पता मैं कितना नाचती हूँ। तो अब कमेंटों का सिलसिला जारी, क्योंकि काफी कमेंट इकट्ठे हुए पड़े हैं। 80-60 राधे कुमार 60-82, मैं गलत बोल रही थी, माफी चाहती हूँ। तो ये उनका कमेंट है, आपकी तिरछी नजर हो सकती है पर पतली कमर नहीं है, तो थैंक यू, पर कमर चाहे मेरी पतली नहीं है बाबू, फ्लेक्सिबल तो है तो थैंक यू, आपने बोला आपका डांस मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आपको मेरे शब्द बुरे लगे हो तो माफी चाहता हूँ। तो नहीं, आपको राधे जी कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपने एक चीज बोली भी है तो इस विस्तार से बोली है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसलिए मैंने सबसे पहले आपका कमेंट उठाया, थैंक यू सो मच राधे कुमार 60-82। नंद कुमार 84-70, तो इन्होंने बोला है पहलवान, तो भाई हाँ मुझे आप पहलवान की पदवी दे सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बोला, और क्योंकि देखो कोई भी काम है बिना पहलवानी के होता ही नहीं है, उसमें मेहनत तो लगती है ही, बुद्धि भी लगती है, ऐसी बात नहीं है, तो आप मुझे थोड़ी चतुरनार भी बोल सकते हो, चतुरनार करके श्रृंगार, तो थैंक यू सो मच आपको। ज्योति कड़कड़े 1943, जो भी उनकी आइडिया, सॉरी अगर गलती हो गई हो, तो इन्होंने बोला जाफरा भैंस, तो मैं जाफरा भैंस हूँ या कुछ भी हूँ, तो
आपने बहुत ही बेहुदा बात बोली है, मुझे अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि आप किसी इंसान की जानवर से तुलना नहीं कर सकते जब तक आप उसे जानते नहीं हो। या आप मेरी हेल्थ की वजह से बोल रहे हो, तो मैं इतनी भी नहीं हूँ, क्योंकि भैंस कई मतलब कितने वजन की होती होगी। नहीं, ये कौन सी बछिया है? तो हस्बैंड बोले आप कौन सी बछिया हो, बछिया हो तो गाय हो या बछिया हो, तो चलो थोड़े सा उनका रिएक्शन चेंज हो गया है, सावित्री तो हो रही है। सावित्री हो रही हो, ऐसा ना बोल भैया। ज्योति तू थोड़ी सी शर्म कर ले, औरत हो गए। पालीवाल जो भी है आपका नाम है, तो इन्होंने बोला है कि क्या आप मतलब स्टेज शो करती हो, तो हाँ मैं स्टेज शो करती हूँ, क्योंकि आपके घर में भी स्टेज शो करते होंगे भाई। तो आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, तो बहुत से लोगों को लगता है कि जब हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो क्या पता है भाई ये स्टेज शो भी करती है। तो पाली जो भी आपका नाम है, तो मैं स्टेज शो नहीं करती हूँ, आप गलत फहमी में है या आपने सोचा है या कुछ भी है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। और आप मेरे देख रहे होंगे थोड़ा सा चेहरा अपसेट है, किसी बात को लेके अपसेट है। तो दोस्तों हम करेंगे अभी सोशल मीडिया की बात। सोशल मीडिया पे आप खुद की मेहनत करेंगे तो खुद के व्यूज पाएंगे, कोई किसी के व्यूज नहीं चुरा सकता। अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसी की मैं अभी बात दो मिनट लूंगी। तो खुद की वीडियो है, खुद की मेहनत है, आप खुद पे ही डिपेंड करता है, दूसरा आपकी कोई मेहनत को नहीं चुरा सकता। अब मैं मेहनत करती हूँ, मेरे से सब कहते हैं कि सोनिया आप बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनती हूँ मैं। सुबह 5 बजे की उठी हूँ, घर के कपड़े धो के, झाड़ू वाड़ू लगवा के, खाना वाना बनवा के, कंप्लीट करवा के, और नहा धो के, बाल वाल धो के मैं अब वीडियो शूट करने जा रही हूँ। तो अब तुम देख रहे होंगे मुझे, मैं इतनी मेहनत करने के बाद और 10 से 15 वीडियो डालूंगी तो क्या मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, क्या मेरे व्यूज नहीं बढ़ेंगे? डेफिनेटली बढ़ेंगे भैया। मैं किसी की वीडियो कैसे चुरा सकती हूँ, मैं किसी के व्यूज कैसे चुरा सकती हूँ भैया? ये चूतियापा ना बोलें, ऐसी चीजें ना कहें, ये चूतियापा ही होती है, ये पागलपंती होती है। आप खुद की मेहनत करें, खुद पे ही डिपेंड रहें। आप सिर्फ इतना कर सकते हो, जैसे मेरा चैनल है तो मैं अपने चैनल को बहुत बंदों को हाथ में दिया है, तो जिसने मेरी कई, किसी ने मेरे एडसेंस खोली है, किसी ने मेरा कुछ किया है, किसी ने मेरे बेटे ने कुछ, तो जब मेरा बेटा भी चाह के भी मेरे चैनल को नहीं ले सकता ये, क्योंकि मेरी खुद की प्राइवेसी है इस पे, क्योंकि खुद की मेहनत है। लोग बाग तुम्हारे फेस को जानते हैं, अब मेरे नाम से दुनिया लाइक दे देती है, क्योंकि सब सोचते हैं सोनिया है, सोनिया है। मेरे नाम से फेक चैनल बने पड़े हैं, तो लोग बाग ऐसे भी सोच लेते हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाहती, मुझे बहुत ही मियायती बदतमीज लगी इनकी बात है। तो ये खुद की मेहनत करें और सक्सेस हासिल करें। आसान नहीं है सोशल मीडिया पे जगह बनाना, आसान नहीं है। आदमी को मरना मिटना पड़ता है जब जाके कहीं फॉलोवर सब्सक्राइबर कमते हैं, पैसा कमता है, ऐसे फ्री में कुछ नहीं मिलता है, गाल बजाने से कुछ नहीं होता है। कहते हैं मधुर कुमार, लोग कहते हैं एक्सरसाइज करने से वजन कम होता, पर सोनिया जी आप कैसे करोगी? तो भैया मैं ना वजन कम करने की सोच सी नहीं हूँ, मेरा वजन एक्चुअली बढ़ रहा है या घट रहा है जो भी है, मैं इतनी हेल्थी हूँ। बट पहले मैं बहुत हेल्थी थी मधुर, अब तो मैं कम हूँ, पर फिर भी मैं अपने आप को बहुत फिट समझती हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना, वेट डज नॉट मैटर, वेट आपका वजन आपका कोई मायने नहीं रखता है यदि आप मेहनत कर रहे हो तो। सीमा अंगत 0001 जी, दीदी मैं आपकी वीडियो डेली देखती हूँ, और आप इतने हेल्थी होने के बाद भी बावजूद भी आप बहुत अच्छा डांस करती हो। तो बाबू मेरे को डांस करने का बहुत ही शौक है, मैंने अभी भी बहुत बोला, आज तो हेल्थ के ऊपर कुछ ज्यादा ही आ रहे भैया, कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। तो जरूर आप उनको हेल्थ के बारे में सोचनी पड़ेगी, पर अभी नहीं सोचूंगी हेल्थ के बारे में, मार्च अप्रैल में सोचूंगी, क्योंकि अभी तो मेथी बथुआ पालक कुछ खाने दो, मजे करने दो, और जो भी है आप सबके बीच में थोड़ा भाई सभी पतले हो जाएंगे तो हेल्थी खा जाएंगे। तो थैंक यू, आपको अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छी लगी आपकी कमेंट्स, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, तो थैंक यू सो मच दोस्त। बनारस गंगा, तो बनारस गंगा ने बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं, दीदी आपको पैसा मिलता है यूट्यूब से और क्या, मुझे पता ही नहीं है। तो देखो मैंने अभी आपकी आईडी एक्चुअली देखी नहीं है, मैं आपसे झूठ बोल दूं तो मैं अभी आपकी आईडी देखूंगी घर पे जाके। तो बनारस गंगा, आप पैसे देखो यूट्यूब देता है, बट आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत कर सकते हो या कर सकती हो।
जितनी मेहनत करोगे यूट्यूब उतना ही पैसा देगा। मेहनत करना, देखो कहते नहीं है घड़ा जब भरता है तो भर के पानी छलकता है, पहले आप घड़े को भरो फिर छलकेगा पानी, फिर आपको अपनी मेहनत का अंदाजा हो जाएगा। तो YouTube खूब पैसा देता है, ऐसी बात नहीं, YouTube देता है, Facebook देता है, पैसा देता है। चैनल मोनेटाइजेशन करवाने पड़ते हैं, एडसेंस लगवानी पड़ती है, इसमें काफी लंबा प्रोसेस है भाई। मैं भी इन चीजों से जूझी हुई हूँ और मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, मेरे फैंस भी आते हैं। कल परसों भी मेरे फैंस आए थे तो जो पलवल से आए थे, तो खूब अपने चैनलों को मोनेटाइज करवाते हैं दोस्त। देखो यूट्यूब और फेसबुक पैसा देता है और इंस्टाग्राम आपको फेम देता है, जो आपको खुद ही कमानी पड़ेगी, आपकी खुद की मेहनत होगी। मैं तो अभी भी पहले बोल रही थी और अब भी बोल रही हूँ, ये खुद की ही मेहनत है, खुद को ही रिप्रेजेंट करना है, दूसरा बंदा इसमें कोई इंक्लूड नहीं हो सकता। हाँ मैं किसी से प्रमोट करवाऊ मैं किसी से बोलू या मैं किसी को प्रमोट करू तो थोड़ा बहुत ग्रोथ आता है, थोड़ा बहुत ग्रोथ आता है, उससे ज्यादा आता ही नहीं है। देखो कहते नहीं है बिन मांगे, क्या कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो भैया मैंने आज तक भी अपनी जो बेटी है, मैंने पारुल, उनकी स्टोरी भी नहीं डाली, क्योंकि पता है लोग बाग आपको ही देखेंगे, आपकी मेहनत। तो मैं उनसे बार बार बोलू भाई पारुल को सब्सक्राइब करो, पारुल को, कोई नहीं करेगा, पारुल की खुद की वीडियो ही वायरल होंगी, खुद की मेहनत ही काम करेगी। तो ये मेरा आपके पिड़ती है बनारस गंगा। तो आप मेहनत करो, खूब पैसा मिलता, सबको पता है सोशल मीडिया पैसा देता है, सबको पता, मैं ही नहीं कह रही। और हम लोग भी देखो गाड़ी से आते हैं जाते हैं, दो बंदे जूझ रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि भाई हमारा दिमाग खराब है। तो ये सब पैसे के लिए मेहनत है, फेम के लिए है, सबके लिए ये। तो थैंक यू दोस्तों, कमेंट अभी भी रह गए हैं, अगर हो सका तो शाम को इवनिंग में जरूर जवाब दूंगी। तो YouTube फैमिली लव यू आपको, और मेरी तरफ से फिर से हैप्पी मकर संक्रांति, और लाइक कमेंट शेयर करें और खूब वीडियो वायरल करें, खूब देखें, शेयर करें अपने दोस्तों को, सबको, देखो सोनिया को, देखो सोनिया को। बाय बाय, टेक केयर, लव यू YouTube फैमिली।